अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये जो ये सुबह का टाइम है और मैं करने लगी हूँ नाश्ता, बहुत लाइट सा नाश्ता करूँगी मैं आज। सिर्फ दो ये स्लाइस लूँगी और चाय लूँगी और जो है ये स्प्रेड लगाऊँगी मैं ब्रेड पर, और बस उसके बाद जी घर के कामों का आगाज़ हो जाएगा। और घर के काम आज तो खैर इतने कुछ ख़ास नहीं किए, बस वही जो नॉर्मल घर के काम होते हैं वही किए। आप सब लोग कैसे हैं, आप सब लोगों की क्या रूटीन है, आप सब लोग भी मेरे साथ शेयर किया कीजिए। और नाश्ते के बारे में ये कहा जाता है कि जो दिन का पहला मील होता है और इसको जो है वो बहुत अच्छे से लेना चाहिए, बहुत अच्छा से एक नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि नाश्ते के बारे में बोला जाता है कि नाश्ता जो है वो सोना होता है। उसके बाद जी मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी थी और मैंने जब कुरान पढ़ा तो सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। ये है माशाल्लाह मेरे जहेज़ का कुरान पाक, और बहुत खूबसूरत ये कुरान पाक है और तर्जुमे के साथ है ये, तो बहुत अच्छा लगता है इस कुरान पाक में पढ़ना। और माशाल्लाह मेरा 29वां सिपारा चल रहा है, तो बस ये इसको आज स्टार्ट करूँगी, इस सिपारे को इंशाल्लाह दो से तीन दिन में जो है वो कुरान पाक ख़त्म भी कर लूँगी। तो मेरी ये हमेशा से ही आदत है कि मैं रोज़ाना एक दो सफ़े या कुछ रुकू या कभी कभार एक सिपारा भी पढ़ लेती हूँ, तो अच्छा होता है ये इसको पढ़ना। और कुरान पाक को जो है वो बंद नहीं रखना चाहिए, इसको आपको लाजमन जो है वो चाहे आप जितने इसी रूटीन में हो, आपको इतना टाइम तो एटलीस्ट मिल ही जाता है कि आप एक से दो पेजेस जो है वो रोज़ाना के पढ़ सकें। उसके बाद ये लंच का टाइम हो गया था और लंच में आज बना था लौकी और चने की दाल और साथ में थे बॉयल्ड राइस। तो इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट आपने जो है वो चने की दाल भिगो के रखनी है और जो है इसको पका लेना है, तमाम चीज़ों को मिक्स करके लौकी वगैरह को भी। और ये था शाम का टाइम, और शाम में आज हमारी कुछ एक गेस्ट आई थी तो मैंने उनके लिए जो है वो चाय रखी है, और मैं अभी ये बनाने लगी हूँ कॉर्न्स। कॉर्न्स के लिए जो मैं ये मसाला तैयार कर रही हूँ, इसमें मैंने डाला है नमक, रेड चिली पाउडर और ये था चाट मसाला। इसके ऊपर से जी मैं लेमन जूस डाल दूँगी और एक थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बना लूँगी इसका। कॉर्न जो है वो बॉईल हो रहे हैं, तो शाम में जो हमारी एक नेबर आंटी हैं वो एज गेस्ट आई थी हमारे यहाँ आज, तो मैंने थोड़ा सा एहतमाम कर लिया था चाय पर। तो ये मसाला जो है ये मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं बस कॉर्न जो है वो स्ट्रेनर में निकालूंगी और फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इसको मिक्स करती हूँ। तो ये रहे मेरे बॉइल्ड कॉर्न्स। इस बाउल में पहले मैंने इसको मिक्सिंग के लिए निकाला था, बट ये जो है मुझे छोटा लगा था, मैंने जो है इसको चेंज किया और मैं बड़े बाउल में जो है वो कॉर्न डालूंगी। सिंपल ये मसाला जो है वो तैयार करके कॉर्न्स में डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारे जो है वो कॉर्न्स तैयार हो जाएंगे।
मसाला ऐड करने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर जो है वो चेक कर लीजिएगा कि इसमें क्या चीज़ की कमी है। अगर नमक की कमी है तो नमक भी डाल लीजिएगा दोबारा से। कॉर्न्स तो जी हो गए हैं रेडी और अब मैं इनको जो है दो छोटे बॉल्स में निकाल रही हूँ। दूसरी प्लेट्स को भी मैं जो है वो साफ़ कर लूँगी और इनमें भी जो है हम एक में नमक और एक में चिप्स डालेंगे। तो ये निमको और चिप्स जो हैं ये हम जो है वो सदर की मशहूर एक शॉप है वहाँ से लेकर आए हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो काइंडली प्लीज़ मुझे जो है वो उस ब्लॉग को भी मेरे देखिए और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी बन चुकी है और बस अब ये सर्विंग भी तैयार हो चुकी है। मैं इसको ट्रे में रखूँगी और इसको सर्व करेंगे। मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।